मुर्तजा का एक वीडियो आज की खबर के हाथ लगा है, जिसमें उसने बताया है कि आखिर उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया। अब्बासी ने बताया कि उसे ऐसा लगता है कि CAA NRC में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। उसे ऐसा लगता था कि देश के मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए उसने नाराजगी के चलते ये बड़ा फैसला लिया कि वो यहाँ पर हमला करेगा। तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450-500 रुपये का सामान था, टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से रगड़ है, शेयर टेम्पो में रगड़ से जो है उसने कहा कि आपको इधर से गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखीनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पर हम कुछ अपना कर देंगे, कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे तो इस तरह से हमारे थॉट्स को बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में रखूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था, देखो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा, तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोशल में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें, बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके। मुर्तजा के कबूलनामे के बाद उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त होने वाली थ्योरी अब खारिज हो जाएगी।